मित्रों आज आप समझदार पोपट की वार्ता सांभीशू। समझदार पोपट की वार्ता एक महल में रहता बे पोपट की वार्ता है जो जीवन ने एक महान पाठ आपे। जीवन उतर चढ़ाव थी भरेलो है, अँ तो समय सरखो रहे से कि ना लोगों वर्तन समय और संजोगों साथ बधु बदलाय से। तमने आ वार्ता चौक्स गम से, तमने आवा समय धीरेज राखवा शीखव से। एक वक्त एक पोपट तेना बाड़को साथे गाढ़ जंगल में रहे से। तेनु जीवन आनंद थी पसार थई रह्युं हतुं। एक दिवस जंगल माथी पसार थता एक शिकारीए पोपट नी सुंदर जोड़ी जोई। तेणे विचार्युं के पोपट राजा ने आपवा माटे खूब सुंदर भेट छे। ए पोपट ने पकड़ी ने राजा पासे लई गयो। ज्यारे तेणे पोपट ने राजा ने भेट आप्या त्यारे राजा खूब खुश थयो अने तेणे शिकारी ने 100 सोनाना सिक्का आप्या। महल में लाव्या बाद पोपट सौनु आकर्षण केन्द्र बन्या हता। तेने सोनाना पिंजरा में राखवामां आव्यो हतो। आखो समय नौकरो तेनी आगळ दौड़ता तेमने विविध प्रकारना ताजा फळो खवडावता हता। राजा तेने खूब प्रेम करतो हतो। राजकुमार पण सवार सांज तेनी साथे रमवा आवतो हतो। आवु जीवन मळता बन्ने पोपट खूब खुश हता। एक दिवस नाना पोपटे मोटा पोपट ने कह्यु, भाई आ महल मा लावामा आव्या अने आटलू सुखद जीवन जीववा माटे अमे घणा नसीबदार छी। अही दरेक व्यक्ति अमने खूब प्रेम करे छे, ते आपणी केटली काळजी राखे छे। हा भाई अही आपणे जरूर होय ते बधुं ज मेहनत वगर मळे छे। आपणुं जीवन पहेला करता वधु आरामदायक बन्युं छे। सौथी सारी वात अही अमने दरेकनो प्रेम मळे छे। पोपट महलना आनंदमय जीवननो आनंद माणी रह्यो हतो, परंतु एक दिवस बधुं बदलाई गयुं। जे शिकारीए राजा ने पोपट भेटमां आप्यो हतो ते फरी राज दरबारमां आव्यो। आ वखते तेणे राजा ने एक काळो वांदरो भेटमां आप्यो। हवे काळो वांदरो महलमां दरेकनुं आकर्षणनुं केन्द्र हतो। बधा नोकरो तेनी संभाळ राखवा लाग्या, तेना खावा पीवानी खास काळजी राखवामां आवती हती। बधाए पोपट तरफथी ध्यान हटावी लीधुं। राजकुमार पण हवे पोपट ने बदले वांदरा साथे रमवा लाग्यो। नानो पोपट आ जोईने खूब दुखी थयो। तेणे मोटा पोपट ने कह्युं, भाई आ काळा वांदराए आपणी बधी खुशीओ छीनवी लीधी छे, आ कारणे हवे अमारी तरफ कोई ध्यान आपतुं नथी। मोटा पोपटे कह्युं, मारा भाई कोई कायमी नथी, समय बदलाता वधु समय लागतो नथी। थोड़ा दिवसों वीती गया, वांदरो बहु तूफानी हतो। एक दिवस तेणे महलमां भारे होबाळो मचाव्यो, नोकरोने खूब हैरान कर्या। राजकुमार पण तेना कार्योथी डरी गयो। राजाने ज्यारे आ वातनी खबर पड़ी तो तेणे जंगलमां छोड़ी देवानो आदेश आप्यो। आदेश बाद वांदराने जंगलमां छोड़ी देवामां आव्यो। ए दिवस पोपट फरीथी महलमां सौनुं आकर्षणनुं केन्द्र बन्या। हवे नानो पोपट खूब खुश हतो। तेणे मोटा पोपट ने कह्युं, अमारा दिवसो फरी पासा आव्या भाई। मोटा पोपटे कह्युं, याद राखजो मारा भाई, समय क्यारे सरखो होतो नथी, तेथी ज्यारे समय तेनी बाजूमां ना होय त्यारे उदास न थवुं। नानो पोपट मोटा पोपटनी वात समझी गयो अने तेणे नक्की कर्युं के ते खराब समयमां धीरज राखशे। दोस्तों आ वार्तामांथी शीखवा मळे छे, कशुं ज कायमी रहेतुं नथी, समय साथे बधुं बदलाय छे, एटला माटे मुश्किल समयमां धीरज राखजो।